सब्सक्राइब कीजिए जीटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी लोग भले चंगे होंगे। यार इस लोकेशन में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, जरा लोकेशन चेंज करी जाए। हाँ ये कुछ लोकेशन यहां पर अच्छी है लेकिन मजा नहीं आया, दोबारा लोकेशन चेंज करते हैं। यस, ये लोकेशन है जहां हम अच्छी तरीके से आपसे बात कर सकते हैं। मैं आपका मनु भारद्वाज जीटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जो आज वीडियो लेकर आया हूं वो रिलेटेड है टेराबाइट गोल्ड 2.5 इंच HDD/HDD एनक्लोजर से। दोस्तों ये एक एनक्लोजर यानी एक केस है जिसके अंदर आप अपनी HDD और HDD को रख सकते हैं। यानी अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है और आपने उसे अपडेट करवाया है, अपडेट करवाने के बाद उसकी जो हार्ड डिस्क निकली है और उसको आप यूज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। दोस्तों अगर आपके पास पुराना लैपटॉप था और आपने उसे अपडेट करवाया है HDD को HDD में, तो आपकी जो पुरानी हार्ड डिस्क है उसको आप बचा सकते हैं इस केस से। यह है टेराबाइट गोल्ड का 2.5 इंच USB 2 एनक्लोजर, यानी वो हार्ड डिस्क आप इंटरनल हार्ड डिस्क जो आपने निकाली है उसको आप एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस डिवाइस की सहायता से। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे प्रोडक्ट दिखने में कैसा है और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की साइड। दोस्तों ये है टेराबाइट गोल्ड का 2.5 इंच HDD/HDD एनक्लोजर। दोस्तों ये दो तरह के एनक्लोजर आते हैं, एक USB 2 पे आता है, एक USB 3 आता है। USB 2 एनक्लोजर कम स्पीड वाला होता है, USB 3 हाई स्पीड वाला होता है। जिन लोगों के लैपटॉप पुराने हैं तो वो USB 2 एनक्लोजर ले सकते हैं और जो नए लैपटॉप पर काम कर रहे हैं वो USB 3 एनक्लोजर ले सकते हैं। तो आप फ्रंट में देख सकते हैं यहां लिखा है टेराबाइट गोल्ड की मार्किंग, USB 2 की मार्किंग दिया हुआ है। 480 Mbps यानी USB 2 अप टू 480 Mbps तक स्पीड देता है और यहां पर लिखा हुआ है 2.5 इंच USB 2.0 HDD इंक्लोजर। जैसा मैंने बताया था ये 2.5 इंच हार्ड डिस्क के लिए और HDD के लिए बना है और USB 2 पर काम करता है। नीचे की साइड देखते हैं, नीचे की साइड लिखा हुआ है प्लग एंड प्ले हॉट स्वैपिंग विदाउट रिबूटिंग, यानी कि प्लग एंड प्ले है, आप डायरेक्ट हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट करके इसे यूज कर सकते हैं। और ये 6 TB हार्ड डिस्क के लिए टेस्ट करा गया है, यानी 6 TB हार्ड डिस्क इसमें आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहां टॉप में देखते हैं, टॉप में लिखा है स्टोरेज सिस्टम सॉल्यूशन, प्लग एंड प्ले, स्टेबल एंड क्विक, लास्ट स्टोरेज सपोर्ट और नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड। जैसे मैं बता चुका हूं कि स्टोरेज सिस्टम का एक सॉल्यूशन है, अगर आपके पास पुरानी हार्ड डिस्क है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में। सेकंड लिखा है प्लग एंड प्ले, यानी डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों यहां लिखा है स्टेबल एंड क्विक, यानी ये स्टेबल वे से वर्क करता है और क्विक कनेक्ट होता है आपके लैपटॉप के साथ। लार्ज स्टोरेज सपोर्ट, जैसे मैं बता चुका हूं इसके अंदर लार्ज स्टोरेज सपोर्ट है, अप टू 6 TB की हार्ड डिस्क इसके साथ आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट में लिखा है नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां देखते हैं दोस्तों, इस साइड लिखा हुआ है 2.5 एक्सटर्नल डेटा स्टोरेज फॉर नोटबुक डेस्कटॉप एंड मैक। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि आप इसे नोटबुक डेस्कटॉप और मैक के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा जो आप अपनी हार्ड डिस्क यूज करेंगे इसके साथ वो 2.5 इंच की होनी चाहिए, चाहे वो HDD हो या SSD हो। दोस्तों यहां पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बैक साइड में देखते हैं, बैक साइड में लिखा है टेराबाइट गोल्ड और इसके नीचे लिखा हुआ है 2.5 इंच एक्सटर्नल डेटा स्टोरेज फॉर नोटबुक डेस्कटॉप और मैक। कहने का मतलब यह है कि 2.5 इंच एक्सटर्नल डेटा स्टोरेज के लिए बना है, चाहे वो नोटबुक है, डेस्कटॉप है या मैक है। तो ये सारी चीज यहां पर मेंशन है, प्रोडक्ट डिटेल्स भी दे रखा है। प्रोडक्ट डिटेल्स में लिखा है फीचर्स, इट इज सुटेबल फॉर 2.5 इंच सीरियल ATA HDD/SSD और यहां लिखा है नीचे मिनी पॉकेट साइज, जैसे कि इसका साइज बहुत ही छोटा है। पावर सप्लाई फ्रॉम USB डायरेक्टली, इसके साथ कोई भी पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट USB से ही पावर लेता है। और ये सारी चीज यहां पर मेंशन करी गई है। स्पेसिफिकेशन देखिएगा, ट्रांसफर इंटरफेस इसमें दे रखा है USB 2, आप दो तरीके के ट्रांसफर इंटरफेस ले सकते हैं, या USB 2 या USB 3, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ट्रांसफर रेट इसका 480 Mbps है, यानी इसका जो मैक्सिमम ट्रांसफर रेट है वो अप टू 480 Mbps है। अगर आप USB 3 लेंगे तो मैक्सिमम आपका 980 Mbps आएगा। सपोर्ट हार्ड डिस्क में लिखा है 2.5 इंच हार्ड डिस्क। वर्क टेम्परेचर है इसका -14 से 65 डिग्री सेल्सियस
वर्क ह्यूमिडिटी है 8% से 9%, स्टोरेज ह्यूमिडिटी है 5 से 95%, ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसके साथ चाहिए वो चाहिए विंडोज एमई या एक्सपी या विस्टा या विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 9 या विंडो 10, वो कुछ भी हो सकता है। हार्डवेयर है, योर कंप्यूटर शुड बी यूएसबी पोर्ट, कहने का मतलब है कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके लैपटॉप के अंदर यूएसबी पोर्ट है तो वो काफी होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसके साथ कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई नहीं आती है, यूएसबी पोर्ट से ही ये सप्लाई लेता है। और अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी पैकिंग दिया हुआ है, जैसे मैं हमेशा बताता हूं पैकिंग बहुत अच्छी इन्होंने दिया हुआ है। दोस्तों पैकेट के अंदर आपको मिलता है यूएसबी केबल, एक स्क्रू ड्राइवर, दो छोटे से स्क्रूज मिलते हैं, और साथ के साथ आपको मिलता है टेराबाइट गोल्ड का 2.5 इंच एचडीडी ऑब्लिक एसएसडी एनक्लोजर। ये वो एनक्लोजर है, और टोटल मेटलिक है दोस्तों, एल्यूमिनियम का बना हुआ ये एनक्लोजर है, और अंदर प्लास्टिक यूज करा गया। ऐसे भी हम खोल के देख लेते हैं, इसे आप हल्का सा पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये पूरा मेटल का बना हुआ है, तो ये इसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है कि यहां पर मेटल का यूज किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेटल बहुत ही अच्छा होता है जो हीट ट्रांसफर करता है, यानी अगर आपने हार्ड डिस्क यूज करी है और किसी भी कारण से हार्ड डिस्क में हीट उत्पन्न होती है तो ये इसको अच्छी तरीके से डिसिपेट कर सकता है एनवायरमेंट में। इस तरीके का प्लास्टिक का कवर मिलता है जिसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क यहां पर लगती है, और ये छोटा सा सर्किट है जिसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क यहां पर इंसर्ट करी जाती है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से हार्ड डिस्क यहां पर इंसर्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सीगेट की हार्ड डिस्क है, और ये मेरे पुराने लैपटॉप से निकला है, यानी मैंने अपने पुराने लैपटॉप को जब अपडेट करा तो अपडेट करने के बाद उसमें यह हार्ड डिस्क बाहर निकली, और वो अपडेट मैंने किससे करा था, एसएसडी से करा था, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रोसेसिंग अच्छी चाहिए थी। तो पुराने लैपटॉप में मेरी प्रोसेसिंग बहुत ही खराब थी, कम से कम 3 मिनट लेता था वो बूटअप होने में, लेकिन मैंने जब एसएसडी लगाया तो बूटअप बहुत जल्दी हो रहा था, 10 सेकंड के अंदर वो बूटअप हो रहा था। और इस हार्ड डिस्क को मैं कहां यूज करूं, तो मेरे दिमाग में आया कि कहां यूज करूं, तो एक एनक्लोजर का मुझे पता लगा कि वो एनक्लोजर जो इस हार्ड डिस्क को, जो इंटरनल हार्ड डिस्क है उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये देखिएगा, ये जो इसका पार्ट आया है, जो मैंने बताया था प्लास्टिक का पार्ट है, अंदर कोई पीसीबी लग रही है, उसमें ये हार्ड डिस्क इंसर्ट करी जाती है, और सिंपल तरीके से आप हार्ड डिस्क को स्लाइड करके लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखा देता हूं, ये देखिएगा यहां पर हमारी हार्ड डिस्क लग चुकी है। और हार्ड डिस्क लगने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको इंसर्ट कर देना है इस मेटलिक केस में इस तरीके से, और इसे करने के बाद यहां पर हम जो दो स्क्रू आए हैं उसे हम इसे टाइट कर देंगे। और मैं अब आपको दिखाता हूं किस तरीके से इंटरनल हार्ड डिस्क हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कन्वर्ट हो चुकी है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अपने आप इसे कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वे नहीं है कि आपको परेशानी हो। देखिए दोस्तों, यहां पर उसका पोर्ट दिया हुआ है जिसके साथ आपकी यूएसबी केबल कनेक्ट होगी, और उसका एक सिरा आपके लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में जाएगा। यहां पर एलईडी इंडिकेटर दिया हुआ है, जब भी रीड होगा या राइट होगा तो एलईडी यहां पर ब्लिंक करेगी, जो शो करेगी कि आपकी हार्ड डिस्क प्रोसेस कर रही है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूज करके। दोस्तों लगाना बड़ा ही सिंपल है, इस एनक्लोजर में जब आप हार्ड डिस्क डाल देंगे तो यहां पर यूएसबी केबल कनेक्ट करेंगे, और ये यूएसबी केबल यूएसबी पोर्ट में लगा देंगे लैपटॉप की। जैसे ही आप लगाएंगे देखिएगा एलईडी लाइट यहां पर ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है, और लैपटॉप आपकी यूएसबी हार्ड डिस्क को रिकॉग्नाइज कर लेगा। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल वे है, और इस तरीके से आप अपनी हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप के साथ। देखा दोस्तों कितना आसान तरीका था कोई भी इंटरनल हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करने के लिए, ये टेराबाइट गोल्ड एनक्लोजर कितना काम आता है। दोस्तों अगर हम इस टेराबाइट गोल्ड 2.5 इंच एनक्लोजर की बात करें तो टोटल ये मेटलिक का है, और यहां पर टेराबाइट गोल्ड की यहां पर मार्किंग दिया हुआ है। और दोस्तों सबसे बड़ा फायदा इस मेटल का ये है कि ये हीट को बहुत जल्दी डिसिपेट करता है सराउंडिंग मीडियम में, तो आपकी हार्ड डिस्क हीट नहीं होगी क्योंकि वो हीट को डिसिपेट करता रहेगा सराउंडिंग मीडियम में। तो सबसे बेटर मुझको ये लगा टेराबाइट गोल्ड में कि ये टोटल मेटलिक का है। लेकिन अगर आप किसी और लोकल कंपनी में जाएंगे तो प्लास्टिक का एनक्लोजर देते हैं, और प्लास्टिक का एनक्लोजर कभी भी हीट को डिसिपेट नहीं करता, और हीट अगर हार्ड डिस्क ज्यादा हो जाती है तो ऐसा पॉसिबल है कि वो हार्ड डिस्क खराब हो जाए। तो इससे बचने के लिए जब भी आप कोई एनक्लोजर खरीदें तो उसको मेटल का ही देख के लें।
अगर वो मेटल का है तो जैसे मैंने बताया आपकी हार्ड डिस्क की लाइफ बढ़ा देगा। दोस्तों ये टेराबाइट गोल्ड इतना लाइट और कॉम्पैक्ट है कि आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं, और इसको हम एज ए बैकअप स्टोरेज डिवाइस भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है, इसे बैकअप स्टोरेज डिवाइस यूज करें या अपनी इंटरनल हार्ड डिस्क को जब एक्सटर्नल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम मूवीज वगैरह देखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप यूएसबी 2 लेते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम रीड एंड राइट स्पीड है वो अप टू 480 एमबीपीएस होगी, लेकिन अगर आप यूएसबी 3.0 सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम रीड एंड राइट स्पीड होगी अप टू 980 एमबीपीएस होगी। तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करें कि आपको कौन सी नीड है, यूएसबी 2 की या यूएसबी 3 की। यूएसबी 2 बहुत ही सस्ती आती है, अप्रोक्सीमेट 350 रुपीज में आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप यूएसबी 3 सेलेक्ट करते हैं तो उसकी अप्रोक्सीमेट कीमत 480 रुपीज के करीब आपको मिलेगी। दोस्तों बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि बहुत ही ज्यादा लाइट है, कॉम्पैक्ट है, मेटल का बना हुआ है, इजी टू कैरी है और एज ए बैकअप स्टोरेज डिवाइस भी एक्ट कर सकता है। और इसके अंदर जो स्टोरेज डिवाइस है यानी हम इसको कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, अप टू 6 टेराबाइट तक। दोस्तों इसके अंदर आप 6 टेराबाइट की एसएसडी या एसएसडी हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी टेराबाइट की हार्ड डिस्क के साथ यूज कर रहे हैं। दोस्तों जब आप अपनी हार्ड डिस्क को इस मेटलिक शेल में इंसर्ट कर देंगे तो यहां पर छोटे छोटे होल दिए हुए हैं जहां पर आप स्क्रू लगाकर इसको टाइट कर देंगे, जिससे हार्ड डिस्क यहां पर मूव नहीं करेगी। तो दोस्तों ये जो हमारा टेराबाइट गोल्ड 2.5 इंच एचडीडी ऑब्लिक एसएसडी एनक्लोजर है, ये सबसे ज्यादा सेलिंग में आता है और आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील। और दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक भी दूंगा जहां जाकर आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आप बाय लिंक पर जाकर इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो वहां से हमको एक हमारी मेहनत का छोटा सा कमीशन मिलता है जो हमको मोटिवेट करता है और भी तरह तरह की वीडियोस लाने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप उस बाय लिंक से ही प्रोडक्ट को खरीदेंगे और हमको मोटिवेट करेंगे नियर फ्यूचर कि हम और भी वीडियोस लेकर आएं आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपका जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब होता है ये हमको मोटिवेट करता है नियर फ्यूचर और भी वीडियो लाने के लिए। और दोस्तों जो फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें जरा सा भी कुछ इस वीडियो के अंदर अच्छा लगे तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो के नीचे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसको क्लिक करके मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करें। तो दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूं, मैं दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।